रास्ता ढूंढ लिया, मुझे पता है टेक्ना को कैसे वापस लाना है। टिमी जरा देखो यहाँ पर, मैंने सैटेलाइट लोकेटर को अपग्रेड करके इसमें इमोशनल सेंसर लगा दिया है। सालेडिन यहाँ आए थे और जानना चाहते थे कि तुम कैसे हो टिमी। उन्हें तुम्हारी फिक्र हो रही है। हमने उन्हें बताया कि तुम ठीक हो, लेकिन हमें यकीन नहीं हो रहा कि तुम ठीक हो। मैं बिल्कुल ठीक हो। मुझे पता है कि पहले मैं जरा अपसेट हो गया था, लेकिन अब मुझे टेक्ना की बहुत स्ट्रांग फीलिंग आ रही है कि वो है और वो हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश भी कर रही है। बस मुझे किसी भी तरह इस सेंसर को टेक्ना के इमोशन को पहचानने लायक बनाना है और उसके बाद मैं टेक्ना को किसी भी तरह ढूंढ निकालूंगा, लेकिन मुझे तुम लोगों की मदद चाहिए। सॉरी टिमी, लेकिन मुझे एडवांस रेस्क्यू एग्जाम्स की तैयारी करनी है। कल रात स्टेला के साथ रहने के लिए मैंने कर्फ्यू का नियम तोड़ा है तो मुझे डिटेंशन मिला है। सॉरी दोस्त। मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। मैं ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं हो रहा हूँ? अगर हो भी गए तो उससे क्या होगा? अगर मैं ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाया तो कभी भी प्राइमरी डायमेंशन में घुस नहीं सकता, और मुझे वहाँ का पावर चाहिए मैजिक्स को जीतने के लिए। वैसे ही मैं हेल्प कर सकती हूँ। पूरे दिन मैं इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ रहा था, लेकिन मैं फोकस ही नहीं कर पा रहा हूँ। पता नहीं क्यों मेरा ध्यान भटक रहा है। शायद तुम बहुत ज्यादा थक गए हो। हर वक्त एक महान जादूगर बनने के बारे में सोचना मुश्किल काम है। किसी और दुनिया को जीतने की कोशिश करो, तुम्हें आराम मिलेगा। मुझे लगता है ये बहुत बढ़िया आइडिया है, तुमने मेरे मन की बात कह दी। मुझसे ज्यादा तुम्हारे मन की बात कोई नहीं जान सकता। वो प्लैनेट देख रहे हो, वहाँ तुम्हें जाना चाहिए। वहाँ जाकर उनका जादू ले लो, और जब वहाँ से वापस आओगे तब तुम्हें अच्छा और रिलैक्स्ड फील होगा। तुमने सही कहा, अब मैं इस प्लैनेट पर ही जाने वाला हूँ। लेकिन वो ऐसे कैसे तुम्हारी बात मान सकता है? तुमने सुना नहीं उसने क्या कहा? मैं ही हूँ जो उसे समझती हूँ। तुम दोनों बहुत ही भरी हुई हो। उसके सामने अपने आप को अच्छा बता रही हो बस उसका अटेंशन पाने के लिए। ओहो, तुम कौन हो? तुम हो ये कहने वाली? क्योंकि तुम्हें दिख नहीं रहा है कि वो सिर्फ मेरा है, और इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं है। मैं कहाँ हूँ? लगता है मैं खो गई हूँ। ब्लू, याद करो तुम यहाँ क्यों आई हो, फिर पता चल जाएगा तुम्हें कहाँ जाना है। मैं यहाँ ताकतवर बनने आई हूँ, लेकिन वो कैसे होगा? अपने अंदर झांको और ड्रैगन को ढूंढो। कौन सा ड्रैगन? तुम्हारा ड्रैगन। रुको, उसे कहाँ ढूंढो? तुम कौन हो? मैं बड़ी हूँ। हाय बड़ी, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। तुम यहाँ पायरस में क्या कर रही हो? मैं एक परी हूँ और यहाँ ताकतवर बनने की कोशिश करने आई हूँ। शायद तुम ये कैसे करोगी? मुझे भी अभी तक पता नहीं है।
मैंने टेक्ना की फोटो अपलोड कर दी है जिससे लोकेटर को पता चले कि वो कैसे दिखती है। मुझे अब इसे समझाना होगा कि वो क्या है। जो सही लगे वो करो। टेक्ना का IQ 150 है। वो मैथ में एक्सीलेंट है और साथ ही वो टेक्ना मैजिक सोसाइटी की एक सीनियर मेंबर भी है। ये काम क्यों नहीं कर रहा है? अगर ये काम करता तो टेक्ना की फोटो इमोशनल तरंगों को भेजती। देखो टिमी, अगर कोई भी इस डिवाइस से काम ले सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम हो। लेकिन यहाँ इस डिवाइस को तुम्हें टेक्ना के नेचर को बताना है और वो भी पूरे इमोशन के साथ। हाँ, तुम सही कह रहे हो, मैं भी करता हूँ। टेक्ना मेरी दोस्त है। वो एक बहुत अच्छी लड़की और एक शानदार इंसान है। देखो, मुझे लगता है कि तुम्हें थोड़ा और अपने इमोशन के बारे में सोचना चाहिए। टेक्ना के लिए अपनी फीलिंग्स की गहराई में जाओ। लेकिन मुझे वो कैसे करना होगा? क्यों ना हम किसी ऐसे को बुलाएं जिसे इन सब बातों के बारे में पता हो। हाँ बड़ी, तुम्हारा घर कहाँ है? वॉल्टन क्रीक में। वो कहाँ है? वहाँ ऊपर, फायर माउंटेन के एकदम ऊपर। क्या हुआ, उदास क्यों हो? मैं अपने पेरेंट्स से पिछड़ गया हूँ और मैं वापस घर जाना चाहता हूँ, और अब मुझे अकेले वहाँ जाने से डर लग रहा है। प्लीज रोना बंद करो, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। थैंक यू। कितना सुंदर सॉन्ग है ये। ये रहा इनके सारे जादू का सोर्स, ये फाउंटेन। अगर कोई बंदर इस पानी में गिरता है तो क्या आवाज होगी? चलो देखते हैं अभी। हाँ, एक मोटा रख दो ना वहां पर। हाय गर्ल्स। हाय गर्ल्स, तुम लोग टिमी को टेक्ना के लिए उसकी फीलिंग्स को जगा सकती हो क्या? जरा खुलकर अपनी बात बताओगे? मुझे इस मशीन को टेक्ना के बारे में बताना है, उसके नेचर के बारे में, उसके इमोशंस के बारे में, और मैं ये सब कुछ सिर्फ टेक्ना के लिए इमोशनल होकर ही कर सकता हूँ। तो तुम्हें अभी भी लगता है हम उसे ढूंढ सकते हैं? अभी भी लगता है वो जिंदा है? मुझे यकीन है वो जिंदा है, लेकिन उसे ढूंढने के लिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, प्लीज। ठीक है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। टिमी, जब तुम टेक्ना के साथ रहते थे तो तुम्हें कैसा लगता था? बहुत अच्छा लगता था, वो जैसी थी मुझे बहुत पसंद था। और उसमें तुम्हें सबसे अच्छा क्या लगता था? सब कुछ। ये अच्छी शुरुआत है, अब जरा डिटेल में बताने की कोशिश करना। ओके, मेरे पास आइडिया है। टिमी, अपनी आँखें बंद करो। अब सोचो कि टेक्ना यहाँ बिल्कुल तुम्हारे सामने है, और अब बताओ टेक्ना की क्या चीज है जो तुम्हें सबसे ज्यादा अच्छी लगती है? मुझे उसका अपने दिमाग में नंबर्स को जोड़ लेना अच्छा लगता है, चाहे वो नंबर्स कितने भी बड़े क्यों ना हो। हर बार उसका मुझे वीडियो गेम में हराना और फिर कभी भी उसके लिए माफी नहीं मांगना अच्छा लगता है। मेरे बेकार के जोक्स पर उसका हंसना भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब वो तुम्हें सच में पसंद करती है? और वो सिर्फ मेरी गर्लफ्रेंड ही नहीं है, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड भी है। ओह, तुम तो उसकी बहुत सारी चीजों को पसंद करते हो। हाँ, मुझे उससे बहुत ज्यादा प्यार है। हाँ? अरे देखो जरा, तुमने कर दिखाया टिमी। मशीन काम करने लगी। पता नहीं मुझसे ये पौधे और पत्ते हट क्यों नहीं रहे।
ड्रैगन को हराने के लिए ड्रैगन बनना पड़ता है, अपने पैर का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये ड्रैगन कैसे बना जाता है? आसान है, मैं जो कर रहा हूँ वो तुम भी करो। ओके। नहीं देखो, तुम्हें सिर्फ चलना नहीं है। लेकिन तुम भी तो सिर्फ चल ही रहे हो। लेकिन तुम्हें एक ड्रैगन की तरह चलना होगा। रुको, मैं बताता हूँ। अब तुम ट्राई करो। चलो करो, ऐसे चलो जैसे तुम काम पर जा रही हो। देखो उनको, जाकर उन्हें दिखाओ कि यहाँ बॉस कौन है। गर्दन ऊपर, टर्न कर, स्वैग के साथ अब जाओ। गुड जॉब। अब मैं ड्रैगन की तरह चल सकती हूँ। की तरह खाना आना चाहिए। हाँ? जी। अब तुम ट्राई करो। बिल्कुल नहीं। तुम्हें ड्रैगन बनना है ना? और कोई रास्ता नहीं है, है ना? लेकिन मैं ये नहीं खा सकती, वेजिटेरियन नहीं है। हाँ बिल्कुल, कांटेदार झाड़ियों की बेरीज। इस आइलैंड पर सिर्फ यही एक फ्रूट है, बहुत स्वादिष्ट होते हैं, लेकिन इन्हें तोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है। हाँ? ये चुभ नहीं रहे हैं? नहीं बिल्कुल नहीं। मैं मच्छरों को खाने की कोशिश करती हूँ। देर हो गई, ब्लूम ड्रैगन बनो। ठीक है चलो करती हूँ। अरे मिल गया। हे, तुम एक ड्रैगन की तरह खा भी सकती हो, बहुत बढ़िया। अब तुम ड्रैगन की तरह चल सकती हो, खा सकती हो, तो अब बारी है ड्रैगन की तरह दहाड़ने की। बहुत अच्छी दहाड़ थी। दहाड़ने की ट्रिक ये है कि इसे दिल से महसूस करो। ये बस ऐसा है जैसे तुम दिल से रोती हो, चिल्लाती हो या फिर हंसती हो, सब एक ही जगह से निकलता है। मैं कोशिश करती हूँ। ये तो बहुत बेकार था। दहाड़ना मुश्किल होता है, इसमें टाइम लगेगा। मैं फिर से कोशिश करती हूँ। हाँ थोड़ा सा हो रहा है। थैंक्स, प्रैक्टिस करती रहती हूँ। अब मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से जब ये मशीन सैटेलाइट लोकेटर को स्पेस में सिग्नल भेजना शुरू करेगी तो हम टेक्ना को बस कुछ ही मिनटों में ढूंढ लेंगे। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तुम्हें नहीं लगता डायमेंशन में जाने के लिए और स्पीड होनी चाहिए? बस हो गया। ओके, अब किस लिए वेट कर रहे हो टीमी? मुझे लगता है हम सबको साथ मिलकर ये करना पड़ेगा। तुम्हारा मतलब गुड लक के लिए? हाँ, जो भी टेक्टा को प्यार करते हैं उन सबको ये साथ मिलकर करना चाहिए। ये बहुत अच्छा आइडिया है। 1, 2, 3। वाओ, तुम तो चमक रहे हो। मुझे मन की शांति मिल गई और मैं एक गिफ्ट भी लाया हूँ। ओह, इसने तो मुझे ढक दिया है। हे, हमें पहले जैसी बनाओ। तुम लोग इसमें अच्छे दिख रही हो, इन रंगों में शांत करने का गुण है। और तुम्हारे लिए ये हेमेटाइट है, नेगेटिव एनर्जी को दूर रखता है। शायद तुम इसका इस्तेमाल इन दोनों के लिए कर सकती हो। क्या तुम मेडिटेशन कर रहे हो? जब तुम्हारा मन शांत होता है तो तुम्हारा शरीर भी शांत रहता है। अब मैं पता करने जा रहा हूँ कि ट्रांसफॉर्म कैसे कर सकता हूँ। तुम कुछ ज्यादा ही रिलैक्स्ड हो गए हो, सब तुम्हारी गलती है, तुमने इसे बर्बाद किया है। ये मुझे ऐसे ही अच्छा लग रहा है। मेटामॉर्फोस, मेटामॉर्फोस। वाओ, ये तुमने किया। वेट, बहुत बढ़िया। अब मेरे रास्ते में कुछ भी नहीं आ सकता। बस आ गया फायर माउंटेन, तुम रेडी हो? हाँ? इस माउंटेन पर इस आइलैंड के सबसे खतरनाक ड्रैगन रहते हैं और ट्राकोल के गड्ढे हैं जिसमें ना जाने कितने जीव गायब हो गए हैं। क्या तुम तैयार हो? हाँ बिल्कुल, चलो तुम्हें तुम्हारे घर पहुँचाती हूँ बड़ी। हाँ? 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 ये ड्रैगन माउंटेन है, किसी भी घुसपैठियों को देखकर ये जाग जाता है। हमें एकदम चुप रहना होगा। याद रखो, ड्रैगन की तरह रहो। हाँ ठीक है, अब चलो।
यहाँ कोई घुसपैठिया नहीं है, अब तुम भी ड्रैगन बन गई हो। अब तक तो कुछ न कुछ सुनाई देना चाहिए था। इसे थोड़ा सा और टाइम देते हैं। तुमने कहा था हम कुछ मिनट्स में टेकना से कांटेक्ट कर लेंगे, अब तो घंटे हो गए हैं। हमें वापस जाना होगा वरना स्कूल नहीं जा पाएंगे। कोई बात नहीं, तुम लोग जाओ, लेकिन मैं यहीं बैठा रहूंगा, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। सॉरी टिमी, तुम्हारी कोशिश ने काम नहीं किया। हाँ सच में, हम तुम्हारे साथ हैं, कभी भी कुछ चाहिए हो तो बताना। पता है, मैं तुम्हें एक रॉयल स्पा के लिए भेज सकती हूँ, शायद वहाँ तुम्हें अच्छा लगेगा। थैंक्स। चलो मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ देता हूँ। मुझे लगा था ये तुम्हारा घर है। ये घर ही तो है। हाँ? अब मैं तुम्हारा ड्रैगन हूँ। हाँ? और मैं घर आ गया हूँ। हाँ, मुझे मेरा ड्रैगन मिल गया। ब्लूम को पता चल जाता है कि वो अब ड्रैगन आइलैंड पर अकेली नहीं है। रेड फाउंटेन में टिमी को एक अद्भुत बात पता चलती है, उसे ओमेगा डायमेंशन से सिग्नल मिलता है। क्या सभी लोग इसी की उम्मीद कर रहे थे?